हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। रजत पॉपर दोबारा आपके लिए लाया है एक और वीडियो। देखिए, इस बार वीडियो लाने में थोड़ी देर हो गई। उसका कारण ये था कि मैंने एक शो ऑर्गेनाइज कराया था अपने शहर में, यूनिक स्टार ऑफ रुड़की, तो उस चक्कर में मैं नई वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, तो आज मैं आपको बैक फ्लिप, मैंने पिछली बार बताया था कि बैक फ्लिप का डर कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा, तो आज देखेंगे हम बैक फ्लिप का डर कैसे निकालें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने गद्दा दिखाया आपको। सबसे पहले एक गद्दा आपके पास होना चाहिए अगर आसानी से चाहते हो कि डर निकले आपका, नहीं तो आप ग्राउंड वगैरह में भी जा सकते हो। ठीक है, बाकी आज आपका डर निकल जाएगा। सबसे पहले आप स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, स्ट्रेच सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि आपको पता है, सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही थे कि ये बैक फ्लिप नहीं है, बैक हैंड स्प्रिंग है। तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा, मुझे भी पता है ये बैक हैंड स्प्रिंग है, मगर इंडिया में लोगों को बैक फ्लिप और बैक हैंड स्प्रिंग का अंतर नहीं पता है। यहाँ के लोग बैक फ्लिप को समरसॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इस स्टेप से बैक फ्लिप बैक हैंड स्प्रिंग मारा जाता है, जिस स्टेप से आप देख रहे हैं। दोबारा देखिए आप डेमो। तो अब बारी आती है डर पे, कि डर कैसे निकाला जाएगा इसका। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम, इजी इजी तीन चार टिप्स हैं वो देखेंगे आप अगर गद्दे पे, तो आराम से आपका डर निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आप गद्दा लगा लेंगे, ठीक है, और स्लिपरी ना हो गद्दा। उसके बाद बैठेंगे और हल्का हल्का रोल करने की कोशिश करेंगे। रोल में जान नहीं लगाएंगे शुरू में, आप बिल्कुल हल्का हल्का रोल होगा, बिल्कुल हल्का। देखिए हल्का हल्का रोल हो रहा है। उसके बाद हाथों की आपको जान लगानी है, हाथों से बॉडी को सीधा करना है। ठीक है, हाथ है आपके, उनसे प्रेशर करना है बॉडी के ऊपर। जैसे आप प्रेशर करेंगे तो बॉडी एकदम खड़ी होने लगेगी। इस स्टेप से सबसे पहला इस चीज की प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, सबसे पहला ये देखिए। उसके बाद आप देखिए जो जरूरी चीज है कि कब भी आप कर सकते हैं थोड़ा ट्राई डर निकालने के लिए। बाकी सारा खेल डर इसमें लगता है कि जंप पीछे को कैसे लें, पीछे को हम जाएं कैसे। सबसे बढ़िया तरीका पीछे जाने का यह है, आप हाथ हैं, हल्की हल्की जंप लेनी शुरू करें, हल्की हल्की, और आप ऊपर को नहीं जाएंगे, पीछे को जाएंगे शुरू में। ठीक है, पीछे को, ठीक है, और गर्दन रहेगी आपकी आगे को। गद्दे में आप खड़े होकर जंप लेंगे, बैक के बैठ जाएंगे बिल्कुल आराम से नीचे, और हल्की सी पीछे को जंप लेंगे, और हाथ सीधे रखेंगे अपने, बिल्कुल सीधे, जितने सीधे आप रख सकें। सीधा आपके हाथ लेंगे फर्श पे, देखिए ये आपको सीखना पड़ेगा हाथ रखना। इसे हम रबर बैंड भी बोलते हैं। अगर आपको उसको मारने में दिक्कत है तो आप मेरे ट्यूटोरियल चेक करते हैं, हाउ टू डू अ रबर बैंड किकअप्स। इसको आप स्लो में देखिए कि जब मैं ये रबर बैंड मार रहा हूं तो सबसे पहले मेरे हाथ धरती में लग रहे हैं, जिससे कि मुझे चोट नहीं हो रहा है और मेरी बॉडी का शॉक एब्जॉर्ब हो जा रहा है। आप दोबारा देखिए, जब मैं पैर रखूंगा उसके बाद शॉक देखिए कैसे एब्जॉर्ब होता है। ये देखिए जंप ली स्लो में मैंने, और सीधा हाथ लगे धरती पर पहले, जिससे शॉक एब्जॉर्ब हो गया। ये जंप लेनी आनी चाहिए आपको। ये जंप सबसे बेसिक जंप है, इसका मैंने एक अलग ट्यूटोरियल दिया है, हाउ टू डू अ रबर बैंड, आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जंप को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जब आप ये स्टेप क्लियर कर लेंगे, जंप बढ़ेगी और गर्दन पीछे रहेगी, बस इसी से आपकी बैक फ्लिप और बैक हैंड स्प्रिंग पूरा आ जाएगा आपको। ठीक है, दोबारा देखेंगे, देखो बस ऐसे इसकी प्रैक्टिस करनी है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से करते रहिए। ये देखिए वैसे करते 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 गर्दन पीछे ले लोगे, जब आप सर लगेगा आपके बैक हाथ में, देखो इस टाइप से बैक फ्लिप हो जाएगी आपकी। ठीक है, सारा जंप का खेल है, आपको जंप बढ़ानी पड़ेगी अपनी, और फर्श पे बिल्कुल ना करें इसे ट्राई, पहले गद्दे पे ही करें, और ऐसे करते करते पूरी सीधी बैक फ्लिप लग जाएगी। देखिए बस जाना पीछे को, ये पीछे का मोशन आपको रबर बैंड की कब से आएगा, मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। और बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है, और मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं फेसबुक रजत पॉपर पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।